हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप हुआ है 12 अप्रैल तक, तो कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं सभी जोनों में और कितना कंपटीशन है आपका एग्जाम के लिए। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा जोन सेफ है, कौन सा जोन डेंजर है, कहाँ ज़्यादा कट ऑफ जाएगी और कहाँ कम कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, सभी जोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो जोन है क्या है, साउथ ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, डेट इज बिलासपुर। आगे बिलासपुर में बात करें फ्रेंड, तो 283,221 फॉर्म फिलअप हुए हैं, 1,664 वैकेंसी है फ्रेंड्स। और अगर बात करें कंपटीशन लेवल, तो 170 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसके अंतर्गत आपका जयपुर आता है। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 9,61,027 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, वैकेंसी आपकी 5,249 वैकेंसीज है। अगर कंपटीशन का बात करें तो 183 मींस 183 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीआर रीजन की, जिसमें आपके इलाहाबाद आता है। यहाँ बात करें तो 9,11,082 फॉर्म फिलअप हुआ है, यहाँ वैकेंसीज अगर बात करें तो 4,730 वैकेंसीज है और यहाँ कंपटीशन 192 कैंडिडेट की कंपटीशन है एक पोस्ट के। नेक्स्ट बात करते हैं ईसीआर जोन से, दैट इज हाजीपुर, जिसके अंतर्गत हाजीपुर आता है। यहाँ फॉर्म फिलअप 5,73,340 हुआ है और यहाँ वैकेंसी जो है 3,563 वैकेंसी है और यहाँ कंपटीशन जो है 161 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए लड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसके अंतर्गत आपका गोरखपुर आता है। यहाँ फॉर्म फिलअप जो हुआ है 6,20,825 फॉर्म फिलअप हुआ है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर बात करें तो 4,002 वैकेंसी है और यहाँ कंपटीशन आपका 155 कैंडिडेट का कंपटीशन है एक पोस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे, डेट इज जिसके अंतर्गत आपका न्यू दिल्ली आता है। यहाँ फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए, 19,03,729 फॉर्म फिलअप हुए फ्रेंड्स। यहाँ जो है वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 13,153 वैकेंसी है। लेकिन बात करते हैं कंपटीशन से पता चला है कि यहाँ कितना कंपटीशन है फ्रेंड्स। तो यहाँ कंपटीशन का अगर बात करें तो 144 क्या है, 144 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। अब ईसीओ और रीजन से बात करते हैं, डेट इज भुवनेश्वर। यहाँ 3,18,053 फॉर्म फिलअप हुआ है, यहाँ वैकेंसी 2,555 है और यहाँ कंपटीशन 124 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। नेक्स्ट है WCR, दैट इज जबलपुर। जबलपुर में फॉर्म फिलअप 5,28,580 हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4,019 है और यहाँ कंपटीशन बात करें तो 131 बच्चे फाइट करेंगे एक पोस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, डेट इज गुवाहाटी। गुवाहाटी का बात करते हैं, अगर फॉर्म फिलअप का बात करूं फ्रेंड, तो 3,52,814 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और वैकेंसीज है 2,894 वैकेंसीज है। कंपटीशन का बात करें तो 122 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ईस्टर्न रेलवे, डेट इज कोलकाता। कोलकाता में देखिए फ्रेंड्स 11,64,682 फॉर्म फिलअप हुए हैं और यहाँ जो है वैकेंसीज है 10,873 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है फ्रेंड्स। और अगर बात करें यहाँ कंपटीशन का, तो यहाँ कंपटीशन जो है 107 कैंडिडेट एक सीट के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं SCR रीजन की, SCR की, तो SCR के अंतर्गत सिकंदराबाद आता है। यहाँ भी फॉर्म फिलअप अच्छा खासा हुआ है, 9,48,418 फॉर्म फिलअप हुआ है। यहाँ भी वैकेंसीज अच्छी है, 9,328 वैकेंसीज है। यहाँ जो कंपटीशन है 101 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सदर्न ईस्टर्न रेलवे, डेट इज कोलकाता। इसके अंतर्गत फॉर्म फिलअप 4,94,277 फॉर्म फिलअप हुआ है। यहाँ बात करें वैकेंसीज की तो 4,914 वैकेंसीज है। कंपटीशन में बात करें फ्रेंड्स, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कंपटीशन 100 बच्चों का है, कंपटीशन एक सीट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर सेंट्रल रेलवे, डेट इज मुंबई। मुंबई का बात करें तो 9,07,390 फॉर्म फिलअप हुआ है। यहाँ भी वैकेंसीज अच्छी खासी है, 9,345 वैकेंसीज है। यहाँ जो फाइट है थोड़ा कम है, 97 कैंडिडेट लगेंगे एक सीट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सदर्न रेलवे, डेट इज चेन्नई, इसके अंतर्गत आता है। यहाँ फॉर्म फिलअप जो हुआ है 9,264 फॉर्म फिलअप हुआ है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो 9,569 वैकेंसी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपटीशन का फ्रेंड्स, तो यहाँ जो कंपटीशन है सदर्न रेलवे में कितना है, 94 कंपटीशन है, 94। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे, दैट इज हुबली, जिसके अंतर्गत आता है। यहाँ जो टोटल फॉर्म फिलअप है 6,70,283 फॉर्म फिलअप हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें फ्रेंड, तो 7,167 वैकेंसी है और यहाँ कंपटीशन 93 बच्चों का है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, अगर वेस्टर्न रेलवे मुंबई का बात करें तो 9,90,470 वैकेंसीज, तो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं और यहाँ वैकेंसीज 10,734 वैकेंसीज है
और यहाँ कंपटीशन अगर बात करें तो 92 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट के लिए। तो फ्रेंड्स ये डेटा था जो मैंने आपको दिया यहाँ, ये 12 अप्रैल तक आपका पता है कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप हुआ, तो 12 अप्रैल तक के रात तक का मैं डेटा लेके आया हूँ कितने फॉर्म फिलअप हुए और कितना कंपटीशन है। अगर वैकेंसीज की बात करें फ्रेंड्स, तो वैकेंसी सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी नॉर्दर्न रेलवे दैट इज न्यू दिल्ली में मैक्सिमम वैकेंसी है। अगर सेकंड नंबर का बात करें तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। अगर तीसरे नंबर बात करें वेस्टर्न रेलवे मुंबई में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। अब कंपटीशन का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए कंपटीशन आपको पता चलता है टोटल फॉर्म फिलअप जितना हुआ और वैकेंसी जितनी है उसको भाग देते हैं, जितना निकलता है वही कंपटीशन होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी बात है कि जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसमें जरूरी नहीं है कि सभी एग्जाम दे, ठीक है, बहुत एग्जाम नहीं भी देता है तो कम भी हो सकता है, लेकिन डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए उसको लाइन बाय लाइन मैंने सेटअप कर दिया है। देखिए आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई में कम कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए 92 लड़के कैंडिडेट्स फाइट करेंगे, और हुबली देखिए 93 है, आपका चेन्नई हो गया 94 है, उसी तरह बढ़ते 97 100 आ गया 101 107 122 बढ़ते जाइए उसी तरह आपका। और सबसे ज्यादा कंपटीशन देखिए आपका कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन जयपुर में, फिर अगर बात करें नॉर्थ एनसीआर रीजन से अलाहाबाद से तो वह 92 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेटा था जिसके हिसाब से मैंने आपको बताया कहाँ से कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और कौन सा डेंजर जोन है और कौन सा सेफ जोन है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।